हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण ऑल ऑफ यू. वेलकम टू क्लास 3 इन आत्मीय ग्रीन स्कूल. माय नेम इज प्राजक्ता एंड आई एम योर जीके टीचर. नाउ लेट्स विल स्टार्ट पेज नंबर 41 अबाउट अवर बॉडी. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर नोटबुक. वी विल स्टार्ट लेसन अबाउट अवर बॉडीज पेज नंबर 41. सो क्वेश्चन 1, व्हाट इज देयर? How many of these body parts does an adult human being have? How many these body parts? यहाँ पे नाम दिए है, वो हमारे बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, adult के कितने पार्ट्स होते हैं उसके. So first is the lungs. How many lungs in our body? Two lungs in our body. हमारे बॉडी में कितने lungs होते हैं? Two lungs होते हैं. Liver. How many liver in our body? In our body, one liver. कितने liver होते हैं? One livers होते हैं. Kidney. How many kidney in our body? Two kidney in our body. कितने होते हैं? Two होती है. Then teeth. Teeth कितने होते हैं? 32. हमारे teeth कितने होते हैं? 32. And heart. कितना heart होता है? One heart होता है. कितना heart होता है? One heart होता है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर ए. ये आपको सबको पता ही होगा, लंग्स 2 होते हैं, लीवर 1 होता है, किडनी 2 होते हैं, टीट्स 32 होते हैं एंड हार्ट 1 होता है. ये ऑलरेडी सबको पता ही होगा. ओके, देन मैच द फॉलोइंग. सो फर्स्ट इज द पीपल हु स्मोक हैविंग अ डिफिकल्ट ब्रीदिंग बिकॉज दीज गेट अ डैमेज. जो पीपल स्मोकिंग करते हैं उनकी ये बॉडी की पार्ट डैमेज हो जाती है. क्या डैमेज होता है? जो पीपल स्मोकिंग करते हैं उनका लंग्स जो होता है वो डैमेज हो जाता है. क्या डैमेज होता है? लंग्स डैमेज हो जाता है. हार्ट आउटर कवरिंग ऑफ अवर टीथ. हार्ट आउटर कवरिंग ऑफ अवर टीथ. हमारे टीथ में आउटर कवरिंग होता है जो हार्ट वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनेमल. उसको क्या बोलते हैं? एनेमल. अ डॉक्टर होल्ड इट टू चेक यूअर पल्स. पल्स चेक करने के लिए जब हमें क्या होता है, बुखार हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? हमारे पल्स काउंट करते. कैसे काउंट करते हैं? ऐसे हाथ लेते और यहाँ से पल्स को काउंट करते. उस पल्स को होल्ड, अ डॉक्टर होल्ड यूअर चेक यूअर पल्स. वो कहाँ से पल्स हमारी चेक करते हैं? रिस्ट से. किससे करते हैं? रिस्ट. सो दिस इज द मैच द फॉलोइंग. नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग. मैच द अलाइनमेंट विद द पार्ट ऑफ अवर बॉडी अफेक्टेड इट बाय. ये हमारे बॉडी में इफेक्ट होता है ये जो डिसीजेस होते हैं उसके वजह से. सबसे पहला है कैटरैक्ट. कैटरैक्ट मतलब कैटरैक्ट जो होता है वो होता है आइस को. किसको होता है? आइस को. जो आइस को होता है वो उसको क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट. देन है प्रिंकली हीट. प्रिंकली हीट जो होता है वो किसको? प्रिंकली हीट किसको हमें होता है? स्किन को. किसको होता है? स्किन को. देन डायरिया. जब डायरिया होता है तो किस पे इफेक्ट होता है? स्टमक को. किसको इफेक्ट होता है? स्टमक. तो देन माइग्रेन. जब माइग्रेन, जिनको माइग्रेन की बीमारी होती है उनको हेड का प्रॉब्लम होता है. फ्रैक्चर. क्या फ्रैक्चर होता है? हमारे बोन्स. फ्रैक्चर क्या होते हैं? हमारे बोन्स. देन टॉन्सिल. टॉन्सिल कहाँ पे होता है? हमें थ्रोस्ट में. कहाँ पे होता है? थ्रोस्ट में. तो ये हो गया मैच द फॉलोइंग. देन अ हेल्दी डाइट. क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? अ हेल्दी डाइट. लुक एट हियर. फर्स्ट नंबर वी नीड टू ड्रिंक अ प्लेंटी ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स वाटर और कोला. हमें प्लेंटी क्या पीना चाहिए? वाटर. क्या पीना चाहिए? बहुत ज्यादा हमें क्या पीना चाहिए? वाटर, पानी. इट इज बेटर टू ईट फ्रूट कट एंड होल. हमें फ्रूट को खाना चाहिए कट करके कि होल. क्या बेटर है? होल मतलब पूरा, जो विदाउट कट करके खाना ही फ्रूट क्या होता है? अच्छा रहता है. अगर पॉसिबल है तो हमें क्या करना चाहिए? फ्रूट्स को होल मतलब पूरा ही खाना चाहिए. फॉर स्ट्रांग बोन्स वी शुड ड्रिंक फिलिंग द ब्लैंक्स. हमारे बोन्स को स्ट्रांग होने के लिए सोडा और मिल्क क्या पीना चाहिए? हमारे बोन्स को स्ट्रांग करने के लिए हमें मिल्क पीना चाहिए. क्या पीना चाहिए? मिल्क को पीना चाहिए. वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल और स्वीट्स. हमें
क्या ज्यादा खाना चाहिए, वेजिटेबल और स्वीट्स, हमें ज्यादा क्या खाना चाहिए, वेजिटेबल। सो दिस इज पेज नंबर 41 अबाउट अवर बॉडी, इसमें क्या है हमारे बॉडी के बारे में लिखा है। नाउ लुक एट पेज नंबर 42 होली प्लेसेस, नेम द प्लेस वेयर दे वेयर बॉर्न, राइट करेक्ट लेटर इन द ईच बॉक्स। यहाँ पे क्या नाम लिखे हैं और ये क्या है होली प्लेसेस है, तो उनका बर्थ कहाँ पे हो गया, जैसे गुरु नायक है, लॉर्ड जेसुस क्रिस्ट है, लॉर्ड कृष्णा है, गौतम बुद्धा है एंड लॉर्ड राम भी है, तो उनका जो क्या है बर्थ प्लेस है, बॉर्न प्लेस है, वो कहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, सबसे पहले है गुरु नानक, गुरु नानक का बर्थ प्लेस कहाँ पे है, उनका बर्थ प्लेस है तालवांडी, नाउ एज अ नानका साहिब, अभी नानका साहिब उनका जो प्लेस का नाम है वो है, पहले क्या था तालवांडी, क्या था तालवांडी पहले नाम था। देन लॉर्ड रामा, रामा राम का कहाँ पे है, राम कहाँ पे है, राम का बर्थ प्लेस था अयोध्या, क्या था अयोध्या। लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा का बर्थ प्लेस क्या है मथुरा, क्या है मथुरा। पुरोहित मोहम्मद का बर्थ प्लेस क्या है मक्का, क्या है मक्का, पुरोहित मोहम्मद का बर्थ प्लेस क्या है मक्का। देन गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस क्या है लुम्बिनी, क्या है लुम्बिनी। देन लॉर्ड जेसुस क्रिस्ट, लॉर्ड जेसुस क्रिस्ट का बर्थ प्लेस क्या है बेल्थे लेहम, उनका क्या है बर्थ प्लेस है किसका, लॉर्ड जेसुस क्रिस्ट। तो यहाँ पे क्या थे हमारे जो क्या होते हैं गॉड है, जिन हरेक कास्ट के अलग अलग क्या करते हैं अलग अलग भगवान को मानते हैं, तो उनके नाम दिए हैं और उनका बॉर्न कहाँ पे है, उनका बॉर्न प्लेस कहाँ पे है वो यहाँ पे हमें लिखना था। सो दिस इज पेज नंबर 42। नाउ लुक एट पेज नंबर 43। 43 पे क्या है पीपल ऑफ टुडे, ये पीपल है क्या है फेमस है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे उनका नाम लिखना है, क्या करना है नाम लिखना है, तो यहाँ पे कुछ फेमस, ये कुछ हमारे फेमस क्या है एक्टर है सेलिब्रिटी है, तो उनका हमें नाम लिखना है। पीपल ऑफ टुडे, हु आर दी सेलिब्रिटीज, राइट द करेक्ट लेटर इन ईच बॉक्स, हमें क्या करना है करेक्ट लेटर में लिखना है, यहाँ पे नाम दी है और यहाँ पे हमें उनका फोटो देख के पिक्चर देख के उनका करेक्ट नाम लिखना है। तो सबसे पहले ए में क्या है दीपिका पादुकोण, देन डैनियल रैडक्लिफ, देन जेनिफर लॉ रेफर्स, देन रेयन गॉसलिंग, रणबीर कपूर एंड विक्रम, ये नाम दिए हैं, यहाँ पे हमें उनका करेक्ट नाम लिखना है पिक्चर देख के। ठीक है, सो सबसे पहले पिक्चर ऑल ऑफ यू नो और वेरी वेल, ये इंडिया के फेमस एक्टर है, सबको पता ही होगा कि ये कौन से एक्टर है, ये एक्टर का नाम क्या है, दिस इज द रणबीर कपूर, ये कौन है रणबीर कपूर है सबको पता ही होगा। ओके, देन सेकंड नंबर दिस एक्टर इज द विक्रम, इनका नाम क्या है विक्रम है, ये सेलिब्रिटी है विक्रम। देन दिस इज द डी नंबर रेयन गॉसलिंग, इनका नाम क्या है रेयन गॉसलिंग, इनका नाम क्या है रेयन गॉसलिंग। देन फोर्थ नंबर का क्या है जेनिफर्स लॉ रेफर्स, जॉनी फेर्स लॉ रेमंस, इनका नाम है। देन फिफ्थ नंबर का कौन एक्टर है, फिफ्थ नंबर का है डैनियल रैडक्लिफ, ये है, ये भी क्या है सेलिब्रिटी है। एंड लास्ट इज द सिक्स नंबर पे जो एक्टर है उसका नाम क्या है दीपिका पादुकोण, ये कौन है दीपिका पादुकोण। तो ये है पीपल ऑफ टुडे हु आर दी सेलिब्रेटिंग, राइट द करेक्ट लेटर इन ईच बॉक्स, तो ये क्या है सेलिब्रिटी थे और उनका नाम हमने यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज द अवर सम सेलिब्रिटी। सो ये हो गया लेसन नंबर, सबसे पहले हमने लेसन कौन सा पढ़ा है अबाउट अवर बॉडी पेज नंबर 41, देन पेज नंबर 42 होली प्लेसेस एंड पेज नंबर 43 पीपल ऑफ टुडे।
Now I will show you one video, some important persons in our country, in our world. So now all of you look at here. Without any further ado, let's start our session. The first personality, he is Mr. Rishi Kumar Shukla, and he is the present director of CBI, that is Central Bureau of Investigation, and he is a 1983 batch IPS officer of Madhya Pradesh cadre. Okay, let's move to the next personality, and she is Christina Koch. And why I have put her picture, because she has created a new record for longest single space flight by women after surpassing the earlier record of 288 days. So before her, the record was of 280 days in the space, but she has been in space for more than 300 days. When she'll come back in February, it will be more than 300 days for her. Okay, so do remember Christina Koch, for she is famous because of the record for the longest single space flight by women. Okay, moving ahead. Next, it's a no-brainer. He is Sunil Shetty, and why I put his photo, because National Anti-Doping Agency, NADA, which is India's anti-doping body, has selected Sunil Shetty as the brand ambassador for NADA. Okay, moving ahead. The next personality, she is Zozi Bini Tunzi, and she is actually from South Africa and has been crowned as the Miss Universe 2019 at the event held in Atlanta, United States this year. And in this pageant, India was represented by Vartika Singh, who was crowned Miss Diva in 2019. So Zozi Bini Tunzi is the Miss Universe 2019. Moving ahead, next is that's a very easy one. She is Sana Marin, and she is the youngest prime minister of any country. So at 34, Sana becomes world's youngest serving prime minister. And she is of which country? She is from Finland, Social Democratic Party. She became the youngest president of Finland and also of the world. Moving ahead. Okay, so next is an interesting one. He is Mr. Girish Chandra Chaturvedi. And recently, Mr. Girish has been appointed as the as the new chairman of National Stock Exchange, that is NSE. Moving ahead. Okay, so next is, she is Neeta Ambani. You might be knowing her. And Neeta Ambani has been named the trustee of New York City's Metropolitan Museum of Arts. And this museum is very famous, friends, in USA, because it is the largest art museum there. And in the 150 years of history, no Indian other than Neeta Ambani has been the trustee of this historical museum. Moving ahead. Next is, okay, so this is another easy one. We have, I think we have discussed it. It is Radha Krishna Mathur. And Radha Krishna Mathur was formally sworn in as the first ever governor of Union Territory of Ladakh. So he's the first governor of Ladakh. And who's the first governor of Jammu and Kashmir Union Territory? He's Mr. Girish Chandra Murmu. And he also took the oath as the governor of Jammu and Kashmir on 31st October only. Okay, so you can look up for his picture on the internet. Let's move forward. So next, another very easy, I would say, no-brainer. He is Mr. Justice S.A. Bobde. And Justice Sharad Bobde was appointed 47th CJI, that is Chief Justice of India, recently. Moving ahead. Okay, so next is Mr. Pankaj Kumar, and Mr. Pankaj Kumar has been recently appointed as the Chief Executive Officer, CEO of Unique Identification Authority of India, that is UIDAI, and this is the agency which issues Aadhaar card. So Mr. Pankaj Kumar is the CEO now of UIDAI. Moving ahead. Okay, so next, another interesting one. He is Mr. Anoop Kumar Singh, and Mr. Anoop Kumar Singh has been recently appointed as the new Director General of NSD, that is National Security Guard. So friends, this is a special force, Indian force, and it is deployed when some grave emergency occurs related to the security of the our country or our people. Okay. They are also known as the Black Cat Commandos. Okay, moving ahead. Next, another very interesting business tycoon. He is Mr. Sajjan Jindal, and he is the chairman and MD of JSW Steel.
So it's a steel firm, and Mr. Jindal is the MD, and he has been appointed as the vice chairman of World Steel Association, that is World Steel. Ab aap puchenge, what is this World Steel? So it's an international trade body for iron and steel industry. So it's a governing body for these two domain of industries. It is the largest. It actually represents this industry on a world level. Moving ahead. Now, another no-brainer, he's Sourav Ganguly, commonly known as Dada, and he's the former Indian captain Sourav Ganguly, and he became the new president of Board of Cricket, Control of Cricket in India, that is BCCI. So he has been recently appointed as the president. Moving ahead. Okay, so now, to save some time, I have put the two pictures together. So the first picture is of General Bipin Rawat, and he is the first Chief of Defence Staff of India. And the second picture is of Air Chief Marshal Rakesh Kumar Singh Bhadauria, and he is the Chief of Air Staff. Let's see. So the next photo is of General Major Mukund Narwane, and he has been recently appointed as the Chief of Army Staff. When you might have seen and heard in the news, when General Bipin Rawat left the post and he became the Chief of Defence Staff. Then General M.M. Narwane became the Chief of Army Staff. Next is of Admiral Karambir Singh, and he is the Chief of Naval Staff. So friends, from these two slides, we have seen all the heads of all the defence forces of India. So do remember them, they are very important, because all of them have attained the post in 2019 itself. Okay, moving forward. Okay, so another interesting one. So she is Kristina Georgieva, and she is a Bulgarian economist who was appointed as the new head of IMF. So she is heading International Monetary Fund, IMF. Okay, and moving ahead. Next, another very easy one. So he is the Defense Minister of India. He is Mr. Rajnath Singh, and the important news related to him. So Union Defense Minister Rajnath Singh became the first Indian Defense Minister ever to fly in Rafael combat aircraft. So you might have seen in videos when Mr. Rajnath Singh went to France, and he was actually doing that Shastra Puja of Rafael aircraft. So he's the first defense minister to have taken a flight in Rafael. Moving ahead. Okay, so next, another very important, he's the Chief Election Commissioner of India, Mr. Sunil Arora. And another very important thing related to him that happened in 2019. So Mr. Sunil Arora assumed the chairmanship of Association of World Election Bodies, AWEB. So he is presently the Chief Election Commissioner of India, and also the chairman of AWEB, that is Association of World Election Bodies. And this is a multilateral platform for election management bodies across the world to share best electoral practices. So election bodies of various countries come together in form an association, and various countries share their best practices of election, and Mr. Arora is presently heading this body. Okay, so moving ahead. Next, another important one, she is Shalija Dhami. And friends, Wing Commander Dhami became country's first female officer to be appointed as flight commander of a flying unit of the Air Force. And this post, that is flight commander, is second in the command of flight commander unit, which means that Dhami is second in unit after commanding officer. So her rank is second, and first is of commanding officer. So she has reached this post, and she is the first female to do so. Moving ahead. Okay, now very easy one, the rocket man of India, Dr. K. Sivan. And ISRO's chairman Kali Savadevu Sivan was awarded Dr. APJ Abdul Kalam Award by the Tamil Nadu government recently, and he is popularly known as the Rocket Man. Okay, so moving ahead. Next, another easy one, he is Mr. B.S. Yediyurappa, and he in 2019 he took oath as the 31st Chief Minister of Karnataka after 3 days of the collapse of Congress and Janata Dal Secular government. So you might have seen that Congress and JDS has made their coalition government by making H.D. Kumar Swamy as the chief minister, but the government fell, and B.S. Yediyurappa was able to stand the test in assembly and became the CM. And this is the fourth time Yediyurappa is being sworn in as the chief minister. Moving ahead.
Okay, so next, another important, she is Preeti Patel, and she has become Britain's first Home Secretary of Indian origin. So she is the first Indian origin person to become the Home Secretary of Britain, and she basically belongs to Tarapuram, Gujarat. Moving ahead, next, another very easy one, she is Christine Lagarde, and she is the former IMF chief, MD of IMF, International Monetary Fund, and she has been confirmed as the new head of European Central Bank, ECB. Okay, so she left that post and is now the head of European Central Bank. Moving ahead. Okay, so the readers here might be easily able to recognize the person. He is Amish Tripathi, and he has been named as the new director of London's Nehru Center. And the Nehru Center was established in 1992 with the goal of promoting cultural exchange between India and UK. And Amish has been named as the new director of this center. Moving ahead. Next, another very important one, he is Mr. Rajiv Maharshi, and he is the Comptroller and Auditor General of India, CAG. And what is the basic work of this post? So a CAG is responsible for auditing all the receipts and expenditure of the central government, and also of the state government, and all the bodies which receive funding from the government. So it's a very, very important post, and Mr. Rajiv Maharshi is holding it. Another important thing, Mr. Rajiv Maharshi has been elected as the external auditor of World Health Organization, WHO. Okay, so that's a very, very important information. And he has been appointed for a post of 4 years from 2020 to 2023. Okay, so I hope all of you like video and nicely understood who is the important person in the world. ठीक है, कौन से important person है world में, India में. So now next lesson. Page number 44, something in the common, these we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood our today's lesson. Thank you and have a nice day.